राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के छत्रपति शिवाजी महाराज पे अपमानजनक टिप्पणी पर आज युवक कांग्रेस द्वारा नागपुर राजभवन के सामने आंदोलन कर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के फोटो पर कालिक पोती गई और राजभवन घुसने का प्रयास भी किया गया, जिस पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष आशीष मनपे ने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी ने शिवाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, साथ ही देश में सुव्यवस्था बिगाड़ने का काम राज्यपाल और बीजेपी प्रशासन कर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शान में अपमानजनक टिप्पणी करने पर माफी मांगने की अपील इस आंदोलन के दौरान की गई। साथ ही कोश्यारी तेरी होशियारी नहीं चलेगी, काली टोपी काला दिल काला दिमाग जैसे नारेबाजी भी इस दौरान की गई। इस मौके पर आशीष मनपे, वसीम खान, अश्विन बैस एवं युवक कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज का जो ये हमारा प्रोटेस्ट था, जो कि हमने गवर्नर हाउस राज्यपाल भवन के सामने सदर में किए, जो कल परसों गवर्नर ने जो स्टेटमेंट दिया था छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के बारे में कि वो कल के हीरो है, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी नहीं चलेंगी तुम्हारी होशियारी। अगर तुमको ऐसी राज्यपाल और पद के लिए तुमको ये दलाली करना है आरएसएस की और बीजेपी वालों की जो वाहवाही और छाटने में आप लगे हैं, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। और ऐसी उनका प्रवक्ता जिसने श्री छत्रपति महाराज के बारे में फिर से अपशब्द यूज़ करा है, तो उसको भी हम बोलना चाहते हो कि ये आपका जो भी चल रहा है ये हम चलने नहीं देंगे। और अगर से अभी हमको आज डिटेन किया यहाँ पर और भी आगे ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो हम ऐसे निषेध करते रहेंगे। अभी जो दो दिन पहले मराठवाड़ा विद्यापीठ में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है राज्यपाल ने कि शिव छत्रपति जो महाराज है हमारे, जो आराध्य दैवत है हमारे महाराष्ट्र के, उनके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो पहले के आदर्श थे, अभी के आदर्श एक पॉलिटिकल आदमी को उन्होंने बोला हुआ है। तो ये हमारे लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए एक शर्मनाक हमारी बात है कि हमारे गवर्नर, हमारे स्टेट के गवर्नर इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे। बीजेपी पर बीजेपी के स्पोक पर्सन सुधांशु त्रिवेदी ये बोलते हैं कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की 5 बार माफी मांग चुके हैं और ये सबसे बड़ा गलत स्टेटमेंट है जो उनके तरफ से दिया जा रहा है। तो आज हमारी मांग वही है कि इन दोनों के ऊपर हम लोग आज, जब तक के पुलिस एफआईआर इनके ऊपर होंगे नहीं, हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहिए हमको सेंट्रल जेल भेज दे। और एक ही बोलेंगे हम लोग को, होशियारी तेरी होशियारी नहीं चलेगी। कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।